अस्सलाम वालेकुम, मैं उरदा मेकन, आप देख रहे हैं आईआरके न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इमरान खान साहब ने जो बात की वो ये कह रहे हैं कि ये अडियाला जेल में जो केस उनका चलता है, और आजकल आपको पता है केस चल रहा है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला, जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि जो भी केस अदालत में चलता है उसका एक पैटर्न है कि इमरान खान साहब को वहाँ पे सज़ा सुनाई जाती है और बाद में ये केस चला जाता है हाई कोर्ट में। जब जजेस मेरिट के ऊपर सुनते हैं तो सबूत होते नहीं वहाँ पे, क्योंकि मीडिया मौजूद होता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है हर चीज़ को, और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट नहीं होता तो वहाँ इमरान खान साहब बरी हो जाते हैं। तो यही एक पैटर्न है, वही हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि अवाम को सियासी जमातें इकट्ठा कर सकती हैं, फौज नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो मशरकी पाकिस्तान कभी नहीं टूटता। हाँ, वहाँ पे फ़ौज मौजूद थी बहुत बड़ी तादाद में, और बाद में उनको बंदी भी बनाया गया था इंडियन फोर्सेस की जानिब से, जब पाकिस्तान दोलख्त हुआ था तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुश्किल दिन था, बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। 16 दिसंबर 1971 याद है सारी कौम को। अब उसमें ये है, वो कह रहे हैं कि फ़ौज इकट्ठा नहीं कर सकती मुल्क को, अवाम को सियासी जमातें इकट्ठा कर सकती हैं। अगर ऐसा होता तो मशरकी पाकिस्तान ना टूटता। पीटीआई वाहिद जमात है जो अवाम को मुत्तहिद कर सकती है। और इमरान खान साहब के बारे में अगर आप देखें तो वो हमेशा वो ये नहीं कहते कभी भी कि मेरे पंजाबियों, या मैं पंजाबियों से मुखातिब हूँ, या मैं पठानों से मुखातिब हूँ। हुकूमत उनकी खैबर पख्तूनख्वा में बनती है, पंजाब में भी बनती है, इस मरतबा भी वो जीते हैं, पिछली मरतबा भी जीते थे। वो चाहे सिंध में जाएँ, चाहे बलूचिस्तान में जाएँ, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में जाएँ, चाहे कश्मीर में जाएँ, कहीं भी जाएँ, इमरान खान साहब के खिताब करने के दो तरीके हैं। मैं आपको भी बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा। एक तो वो सिंपल कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों, मेरे पाकिस्तानियों, लेकिन जब वो स्पेसिफिक एरिया में मौजूद होते हैं तो वो इस इलाके का नाम भी लेते हैं वहाँ के लोगों को थोड़ा सा एंगेज करने के लिए। जैसे अगर लाहौर में वो खिताब कर रहे हैं तो वो कहेंगे लाहौर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, या पेशावर में तो पेशावर, या कराची मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, या मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब का ये अंदाज है, लेकिन वो हमेशा जब एज ए होल मुखातिब करते हैं तो वो मेरे पाकिस्तानियों कहते हैं, तो सारे पाकिस्तान को मुखातिब करते हैं। और अगर इस वक्त कोई एक आदमी है जो पाकिस्तान के चारों सूबों में, पाकिस्तान की हर इकाई के अंदर, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों से लेकर चित्राल के पहाड़ों तक, और वहाँ से लेकर कराची तक और गवादर की बंदरगाह तक, अगर कोई एक आदमी वाहिद पूरे पाकिस्तान में मकबूल है और अवाम के अंदर उसकी पदीराई है और हर सूबे में, हर शहर में उसका वजूद है, तो वो इमरान खान है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी महदूद होकर रहेगी इंटीरियर सिंध तक। एमक्यूएम जो है वो तो वैसे ही ख़त्म हो गई है, ज़बरदस्ती उनको सीटें दिलाई गई हैं, लेकिन फिर भी आप बड़ा जोर लगाएं तो मैक्सिमम एमक्यूएम जो है वो कराची की एक जमात है छोटी सी। अब पीएमएलएन जो है वो सिर्फ सेंट्रल पंजाब के अंदर थोड़ी बहुत उनकी जगह बची है, वो भी वहाँ ख़त्म हो गए। एएनपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों की जमात है। हाँ, फजल रहमान साहब की जमात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जमात है। कुछ जमातें जो है वो खाली बलूचिस्तान की जमातें हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जमात आप देखें कि वो हर जगह पे मुकाबला करती है, पहले नंबर पे ना आए तो दूसरे पे आती है। बलूचिस्तान में उनके लोग जीतते हैं, सिंध में उनके लोग जीतते हैं, शहरी सिंध में उनके लोग जीतते हैं, पंजाब पूरा वो जीतते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वो क्लीन स्वीप करते हैं, आज़ाद कश्मीर में वो अपनी हुकूमत बनाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में वो अपनी हुकूमत बनाते हैं। आज पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे में इमरान खान साहब जो है वो सबसे मकबूल लीडर है। तो ऐसा लीडर मुल्क को जोड़ सकता है, ये मेरा एनालिसिस है। लेकिन इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है वो मईशत है। पहले सुना था 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई, अब पता चला है कि इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई है। यानी पहले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, अब पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि आज तक पाकिस्तान में सरमायाकारी कभी पाकिस्तान में इतनी कम नहीं हुई जितनी अब कम हो रही है। ये इमरान खान साहब का दावा। उन्होंने कहा मुल्की आमदन है नहीं, कर्ज बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है, और सियासी अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का बढ़ना खराब मईशत की सबसे बड़ी वजह है। देखिए, इस्तेहकाम नहीं है, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, कारोबारी ज़िंदगी चल नहीं रहा, लोग हड़तालों पे जा रहे हैं, मुल्क छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं, सरमाया पाकिस्तान से निकाल के बाहर मुंतकिल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपको कर्जे लेने पड़ेंगे। लेकिन कर्जे आपको कोई दे नहीं रहा क्योंकि आप पहले ही कंगले हैं। कोई कर्जा देने से पहले सोचता है ना कि भाई ये कर्जा वापस कैसे मिलेगा। हाँ, भीख या खैरात तो लोग दे देते हैं गरीब समझ के। यानी आप अगर सड़क पे जा रहे हैं, कोई भिखारी आपको मिल गया, तो आप उसको पैसे देते हुए कभी नहीं सोचते कि इसका मुझे कोई रिटर्न मिलेगा। आप ये सोचते हैं कि मुझे अल्लाह इसका अजर देगा, मैंने खुदा तरसी की है, मैं जानूँ मेरा रब जाने। वो तो आप कर देंगे,
लेकिन अगर कोई आदमी, गरीब आदमी आपके पास आ जाए और आकर कहे जी मुझे 1 करोड़ रुपया दे दें आप, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा कमा के, तो आप पहले ये देखेंगे उस पर काबिलियत है या नहीं, फिर आप देखेंगे कि जनाब इसको मैं 1 करोड़ दे रहा हूँ, इसने लोगों का 3 करोड़ पहले देना है, मैं जैसे ही इसको 1 करोड़ दूंगा ये उनका 3 करोड़ वापस करेगा या मेरा 1 करोड़ कमा के वापस करेगा, और इसको कमाई भी आती है या नहीं आती, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो पाकिस्तान इस सिचुएशन में है, हमने कोई 10-12 अरब रुपया मुल्कों का भी देना है डायरेक्ट, अरब डॉलर जिन मुल्कों का देना है वो हम रोल ओवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने जो आपके कर्ज़े वापस कर रहे हैं उसमें हमें और टाइम दे दें, हमें ताखीर दे दें, इसमें इसको मुलतवी कर दें, अभी पैसे वापस नहीं कर रहे बाद में कर देंगे, वो आपको करना होगा। फिर आपको मजीद कर्ज़ा लेना होगा या कोई घर की चीज़ बेचनी होगी, सऊदी अरब ने वैसे ऑफर किया कि सोने की कानें आप हमें दे दें रेकोडिक वाली, उसके बदले में हम आपको कुछ पैसा देते हैं अपने अकाउंट में आप रख लें, हम आपको उधार तेल भी दे देंगे, तो लेकिन आपको घर की चीज़ें बेचनी पड़ेंगी ना, पाकिस्तान की, पाकिस्तान के एसेट्स आपको बेचने पड़ेंगे। PIA को बेचने की कोशिश करते हैं, वो लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अक्टूबर के आखिर में बिक जाएगा, वो इतनी बड़ी लाइबिलिटी है कि जो भी खरीदेगा उसको पहले साल में ही लगभग 80 अरब रुपया ऊपर खर्च करना पड़ जाएगा। दुनिया भर की एयरलाइंस मुनाफा कमा रही है, पाकिस्तान की एयरलाइन खसारे में जा रही है। पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम अपनी जाती एयरलाइन चलाता है शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन पाकिस्तान की एयरलाइन वो क्यों नहीं चला पाए। देखिए एयर ब्लू को वो चलाते हैं, वो PIA के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इतनी सी है, लेकिन वो चल रही है, वो पैसा कमा कर दे रही है, तो PIA क्यों नहीं पैसा कमा कर दे रही, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब अच्छी तरह जानते हैं। सियासी भर्तियां की हुई हैं, सारों की मौजें लगी हुई हैं, मुफ्त टिकट बांटे जा रहे हैं, वजीर आजम पूरा का पूरा तैयारा अंदर से सारा रेनोवेट करके चेंज करके कई कई दिनों दौरे पर जा रहा है, अय्याशियां चल रही हैं, तो इसके साथ एयरलाइन नहीं चलती होती, एयरलाइन इसके बगैर ही चलती होती है, इस तरह की अय्याशियों के साथ तो मुल्क नहीं चलता, तो एयरलाइन क्या चलेगी। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, दूसरी जानब दहशतगर्दी बढ़ रही है, पहले हम पर मलबा डाल रहे थे कि दहशतगर्दी हमारे सेटलमेंट प्लान की वजह से हो रही है, अब ये कह रहे हैं कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है, TTP दहशतगर्द, कच्चे की दहशतगर्दी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और बढ़ते जराइम में कौन मुल्क और सरमायाकारी करेगा, यानी जो आप सिचुएशन रिपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, इत्थे भी ऑपरेशन, उधर भी ऑपरेशन, उधर भी ऑपरेशन, उधर धमाका, उधर बंदे मा, इस तरह के इन्वायरमेंट कोई बाहर से आएगा पैसे लेकर। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसा उन्होंने पाकिस्तान से कमाया, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा उस बिजनेसमैन ने कमाया, मलिक रियाज की मिसाल ले लें, कितना पैसा कमाया, जब बेशुमार पैसा कमा लिया तो पाकिस्तान से बाहर चले गए, वहाँ कारोबार करेंगे, और अगर पाकिस्तान आया तो गिरफ्तार हो जाए। ये पाकिस्तान की पॉलिसी मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारे पाकिस्तान में जिन लोगों का पैसा उसको बाहर भगा दो और जाने दो बाहर, पैसा भी बाहर जाने दो, और जो बाहर वाले हैं उनकी मिन्नतें करो कि जी पैसे लेकर पाकिस्तान में आओ और आकर यहाँ पे खर्च करो पैसा, अजीब पॉलिसी है। यानी पैसे का फ्लो बाहर की तरफ जाने में हम लोग ज़्यादा मुतमईन रहते हैं, जो पैसे कमाता है अपना घर बाहर बनाता है। मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान के जो लोग रिटायर होते हैं सरकारी अहदों से, चाहे वो अस्करी इदारे हों, चाहे वो प्राइवेट इदारे हों, चले सरकारी इदारे हों, दूसरे इदारे हों, तीसरे इदारे हों, जो भी हों, ये इनके अक्सर लोग जो पैसा बनाते हैं रिटायर होते हैं पाकिस्तान से बाहर क्यों जाना चाहते हैं, वजह क्या है, इस मुल्क के अंदर क्या कोई चीज़ काटती है इनको, यहाँ क्यों नहीं रहना चाहते, बाहर क्यों जाना चाहते हैं। द रीज़न, दो रीज़न है, एक उन्हें लगता है कि वो पाकिस्तान शायद ऐसा मुल्क नहीं है जो रहने के काबिल हो, दूसरा वो पैसा बाहर देकर चले जाते हैं जो कमाते हैं, उन्हें लगता है वो मुल्क ज़्यादा बेहतर है, पैसा भी बाहर ले जाते हैं, खुद भी बाहर रहते हैं, फैमिली को भी बाहर रखते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी रवायत नहीं है। पाकिस्तान जो है उसको अगर आपने सर्व किया तो फिर पाकिस्तान में सबको रहना भी चाहिए, पैसा पाकिस्तान से बाहर चला जाए। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे बात बताई कि पाकिस्तान में कुछ लोग आए यहाँ पे और सरमायाकारी के लिए एक वफ्द आया था, और जो वफ्द आया था उनमें से एक आदमी की सालगिरह थी, और वो आदमी जो है वो एक अरब मुल्क से उसका ताल्लुक है और बहुत बड़ा आदमी है, तो उसकी यहाँ पे इन्होंने कहा जी हम आपकी सालगिरह, पता चला आपकी सालगिरह हम करना चाहते हैं, उसको खुश करने के लिए इन्होंने कोई तकरीब छोटी सी रखी, उसकी सालगिरह कर दी। तो उसने कहा पाकिस्तान के हालात इतने भी बुरे नहीं है, मैं अपना कीमती सामान अपने मुल्क में छोड़ के आया हूँ। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि ये इंप्रेशन जब बना हुआ है कि यहाँ धमाके होते हैं, यहाँ लड़ाई होती है, यहाँ झगड़ा होता है, यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है, यहाँ लीडरों को पकड़ो जेल में डाला हुआ है, यहाँ इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, बंदे गायब हो जाते हैं, जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं, ऐसी सूरत में कौन आएगा और इस मुल्क के अंदर आकर सरमायाकारी करेगा। दिन रात यही चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं बदकिस्मती से। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि खुफिया इदारों को लगा दिया गया कि PTA को ख़त्म कर दिया जाए। इमरान खान साहब का कहना था कि मुल्क में सुबाइयत का बहुत बड़ा ख़तरा है, बलूचिस्तान दहशतगर्दी पर पंजाब में एहतजाज करवाया गया, फेडरल पार्टी सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, बाकी रीजनल पार्टियाँ हैं,
नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर बूट को इज्जत ना दें तो ख़त्म हो जाए। पीटीआई मुल्क की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मौजूद है, हम आवाम को मुत्तहिद कर सकते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी ने कहा कि मुल्क की वाहिद फेडरल पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है, जो ये फैसला कर रहे हैं उन्हें मुल्क की फिक्र नहीं है। बलोचिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि बलोचों को साथ लेकर चलें। उनका कहना था कि इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है, बुरा भला कह रहे हैं, पार्टी में लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही, बाकी जमातें जलसे कर रही हैं, हमें एक भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा, हमने दीनी जमातों के एहतजाज और क्रिकेट मैच की वजह से जलसा मुलतवी किया, मुल्क में इंतशार ना फैले ये सोचकर जलसा मुलतवी किया। इमरान खान ने कहा कि बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़कर गए उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। मुझे पता है कि बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़कर गए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। जो अच्छे वक्त में फुल टाइम मौजूद थे और बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए तो उनके लिए हमारे पास कोई जगह और गुंजाइश नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो सीधा साधा पार्टी को छोड़कर गए हैं उन्हें वापस नहीं लूँगा। जिन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा और पार्टी के साथ खड़े रहे वो तसल्ली रखें, वो तमाम लोग जो सख्त हालात में अंडरग्राउंड चले गए, सख्तियाँ और तशद्दुद बर्दाश्त किया, उनके लिए बेहतर फैसला होगा। इमरान खान ने कहा कि फेयर ट्रायल मेरा हक है और यहाँ फेयर ट्रायल की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जितने ख़राब हालात हो रहे हैं इतनी सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं, पार्टी लीडर्स और वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, तीसरा हफ्ता है बच्चों से भी फ़ोन पर बात नहीं करवाई जा रही। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने मीडिया को सवालात करने से मना किया तो इमरान खान साहब जो है वो बरहम हो गए, और इमरान खान ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट को रोका तो इसने जवाब दिया अदालती हुक्म है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक नहीं कर सकते। बहरहाल जो वो डीएसपी है उसके बारे में आज फिर रिपोर्ट हुआ कि डीएसपी ने दोबारा इमरान खान साहब के साथ बदतमीजी की है या उनके साथ हार्श तरीके से वो बोला है। तो नाज़रीन आपने इमरान रियाज खान का तजिया सुना, तो आइए जानते हैं उनसे मजीद खबरों पर अपडेट्स। इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहबा, उन्होंने दावा किया कि जेल के बाहर जो एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल नहीं है, गाड़ियों को ज़्यादा चेक किया जा रहा है, कुछ गाड़ियाँ जेल के अंदर उन्होंने कहा कि ऐसी दाखिल हुई हैं कि वो उनको लगता है कि मशकूक है और बगैर चेकिंग के अंदर चली गई हैं। तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें अब की जा रही हैं ये पहले नहीं थी। तो इस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को और अलीमा खान साहबा को तशवीश है, जिसका उन्होंने इजहार भी किया है। एक और ख़बर है नाज़रीन, बहुत छोटी सी खबर रिपोर्ट हुई है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और इसका बड़ा फड्डा बनेगा। खबर मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, डॉन ने इसको रिपोर्ट किया है। खबर यह है कि वजीर खजाना पंजाब है मुश्तबा शुजाउर रहमान, उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया या उनके मुंह से हो गया अचानक। अच्छा, हो सकता है कि उन्होंने ये इंकशाफ जानबूझकर किया हो। उसका रीज़न ये है कि मुश्तबा शुजाउर रहमान मियाँ शहबाज शरीफ के बहुत करीब है। शहबाज शरीफ साहब ने इनको, जब तक वो वजीर आला पंजाब रहे, शहबाज शरीफ ने मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब को अपना वजीर रखा हमेशा, और ना सिर्फ वजीर रखा बल्कि मेरे ख्याल में सीनियर वजीर भी रखा, और इनको ज़्यादा पोर्टफोलियोज दिए, यानी बहुत सारी वजारतें भी एक वक्त में मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब को दी हुई थी शहबाज शरीफ साहब ने। मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब शहबाज शरीफ साहब के बड़े वफादार साथियों में से एक है, मैं इन्हें जानता हूँ, ये अच्छे इंसान है मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब। तो हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ कर ये बात की हो सकता है उनके मुँह से निकल गई हो, लेकिन ये एक इंकशाफ है। उन्होंने ये कहा कि पंजाब ने ये जो सब्सिडी दी है ना बिल के ऊपर 14 रुपए की, इसमें 45 अरब रुपए वफाक ने डाले, यानी वफाकी हुकूमत ने दिए, यानी पंजाब की अवाम के लिए जो सब्सिडी मियां नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे, उनकी बेटी की ख्वाहिश पे, उनके इश्तेहारात छापने के लिए, उनकी पब्लिसिटी के लिए जो दिया गया पैसा, उसमें 45 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने दिए। अब लड़ाई ये पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद से पता ये चला है कि जो काबीना का इजलास हुआ उसके अंदर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब शरीक नहीं हुए या उनको होने नहीं दिया गया, लेकिन वो शरीक नहीं हुए, उसमें वो गए नहीं। जो मरियम नवाज का इजलास हुआ काबीना का, उसमें मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब ने जब ये वाला इंकशाफ किया तो फिर वो नहीं गए। अब वफाकी हुकूमत ने पंजाब के शहरियों के लिए 45 अरब रुपए का पैकेज दे दिया कि जी आप अपने लोगों को सस्ती बिजली बेच के मशहूरी कर दें, कंपनी की शरीफ खानदान की मशहूरी कर दें। मेरा सवाल यह है कि बलूचिस्तान के शहरियों का क्या कसूर है, उनके लिए पैकेज कौन देगा? वफाकी हुकूमत तो चारों सूबों के लिए है ना, या सिर्फ पंजाब की वफाकी हुकूमत है? चारों सूबों की है, तो सिंध के मेरे भाइयों का क्या कसूर है, उनके लिए पैकेज कौन देगा 45 अरब का? खैबर पख्तूनख्वा वाले दोस्तों का क्या कसूर है, उनको 45 अरब का पैकेज कौन देगा? और फिर कश्मीर, गिलगित, हर जगह पर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां पर शहरी हैं, क्या सिर्फ पंजाब के अंदर पीएमएलएन ने सोचा है कि लोगों को रिलीफ देना है?
और बाकी जगहों पर नहीं देना। देखिए इस तरह की हरकतों से मैं क्योंकि देखें पंजाब में रहता हूँ, मेरा तो इसमें फ़ायदा ही है ना, मेरे लोगों का, मेरे दोस्तों का, सबका फ़ायदा है, लेकिन जितना बड़ा इन्होंने नुकसान किया उसके सामने फ़ायदा बहुत छोटा है। ये बात ये है कि अगर यहाँ पे आप देंगे और छोटे सूबों की आप हक तलफी करेंगे और उन्हें नहीं देंगे तो इससे क्या तासर बनेगा? इससे ये तासर बनेगा कि उनके अंदर महरूमी ज़्यादा पैदा हो जाएगी, ये वक्त है महरूमियाँ दूर कर देगा। तो नाज़रीन ये थी आज की अहम अपडेट्स, इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।